लेकिन लेबनान पर कभी भी हमला कर सकता है इसराइल, किसी भी वक्त इसराइल पर हो सकता है ये बड़ा हमला। और इसका ऐलान इसराइल ने अमेरिका को हमले की पूरी योजना सौंप दी है। इसराइली मीडिया कन न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है। तो इसराइल किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकता है कि वो बड़ा हमला करने जा रहा है हिजबुल्ला पर। इसके लिए जो प्लान है इस वक्त इसराइल के पास, वो प्लान उन्होंने अमेरिका को सौंप दिया है। अब इसके बाद कभी भी इसराइल द्वारा इस बात का ऐलान किया जा सकता है। लेबनान पर इजरायली हमला तय है, बस ऐलान कभी भी हो सकता है ये कहा जा रहा है। आईडीएफ चीफ हाजी हलेवी अमेरिकी ऑफिसर से मिल चुके हैं। आईडीएफ ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को डिटेल्ड रिपोर्ट सौंप दी है। लेबनान पर कैसे होगा हमला, इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। बैठक के वक्त सेंटकॉम कमांडर माइकल कुरेला भी मौजूद थे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट इजरायल की उत्तरी सीमा का दौरा कर रहे हैं। आईडीएफ कभी भी अपना सैन्य फोकस गाजा से लेबनान में शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस महीने के अंत में अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। बाइडेन से बैठक के बाद युद्ध छेड़ सकते हैं नेतन्याहू। अमेरिका से अंतिम हरी झंडी के बाद युद्ध का ऐलान संभव है। गाजा पर इस वक्त भी लगातार हमले जारी हैं, लेकिन लेबनान के साथ युद्ध का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसराइल और लेबनान के बीच इस वक्त जिस गोलान हाइट्स में भीषण जंग जारी है, उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के क्या हालात हैं। देखिए ये आखिरी बंकर्स हैं, खासतौर पे जिनको यूएन की फोर्सेस ने मेंटेन रखता है, और वो सामने लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि इस ब्लू लाइन पर या इस ब्लू डिमार्केटेड लाइन के पास ही हम लगातार चल रहे हैं। इस पूरे इलाके को फेंसिंग से कैसे कवर किया गया ये भी मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए ये है पूरा एरिया, और इसी एरिया के बीच में जो आपको टावर नज़र आ रहे हैं ये इजरायली की फोर्सेस, यानी बिल्कुल सामने कुछ ही मीटरों की दूरी पर आपको इजरायल की फोर्सेस सामने नज़र आ जाएंगी। और यहीं पर मौजूद हैं हम, जहां से अब आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात क्या हैं। और ये वो इलाका है जहां से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ आप आर्टिलरी शेल से फायर किया जा रहा है, और दोनों तरफ से इस तरीके की फायर चल रही हैं। और इस इलाके को कैसे फेंसिंग से कवर किया गया है ये भी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो है आईडीएफ की 471 पोस्ट नंबर, जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर। उसके बाद बीच में अगर आप देखें, हालांकि ये चट्टान के पीछे छुप गई है, वो है 472। और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो, और ये 4713 पोस्ट नंबर है। और ख़ास बात ये कि ये सारा इलाका जो है इन चट्टानों के बीच का इलाका जो है, अब इस समय हम यहाँ खड़े हैं, यानी ये बॉर्डर एरिया है जहाँ से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, यहाँ पर लगातार जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की हैं। वैसे माना जाए जो ब्लू लाइन है उसको डिसअगेंजमेंट लाइन के तौर पर जाना जाता है। 130 किलोमीटर की ये लाइन है, जिसमें करीबन 13 से 14 ऐसे कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं जिस पर लगातार ऐसे हैं। और इसी वजह से इन कन्फ्लिक्ट एरिया को मेंटेन रखने के बाद से लंबे समय से 1978 से ही यहाँ पर यूनिफिल की टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया था। इनकी संख्या उस समय 4000 थी, लेकिन अब इनकी संख्या को में इजाफा कर दिया गया, करीबन 10000 से ज़्यादा यूनिफिल की जो टीमें हैं, यानी करीबन 46 से 47 ऐसे देश हैं जो अपनी अपने अपने आर्मी को, अपने कंटीजेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं, और उन्हीं की टीम यहाँ पर लगातार इन इलाकों को मॉनिटर करती है, इनकी सिक्योरिटी पीस कीपिंग के लिए काम करती है। और ऐसे ही पोस्ट पे आए हैं जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास इस समय मौजूद है। ये साउथ, आप कह सकते हैं साउथ लेबनन के ईस्ट का, यानी सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है साउथ लेबनन का, उसका ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी ऐसा पॉइंट जो गोलान हाइट्स के में है। और देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा टीवी चैनल यानी ऐसा नेटवर्क जो अकेला इस समय यहाँ मौजूद है, और हम आपको यहाँ की रियल पिक्चर, रियल सिचुएशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस समय ताज़ा हालात क्या है, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जिस तरीके से जो चीज़ें बदल रही हैं उसके अंदर यहाँ पर ताज़ा हालात क्या हैं। क्योंकि हम रोज़ ऐसी खबरें सुनते हैं, ऐसी खबरें देखते हैं कि लगातार आईडीएफ की तरफ से या फिर दूसरी हिजबुल्ला की तरफ से इनिशिएट किया जाता है एक दूसरे पर अटैक। लेकिन उस एरिया में हम लेकर आए हैं आपको जो इसे इस समय हॉट बेल्ट है, या फिर आप कह सकते हैं इस समय इस पूरे एरिया के अंदर सबसे ज्यादा आप फायर फाइट चल रहा है।
और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आ रही है। गाजा में जल्द हो सकता है सीज फायर, दो फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ना चाहता है इजरायली डिफेंस फोर्स। IDF ने संसाधनों की कमी की वजह से ये वजह बताई है कि ऐसा हो सकता है गाजा के बाद लेबनान पर होगा आक्रमण। तो गाजा में अभी तक जिस तरह से युद्ध चल रहा था, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ सीज फायर हो सकता है और अब लेबनान की तरफ अपनी पूरी ताकत और शक्ति को इजरायली डिफेंस फोर्स लगाना चाहती है।